इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। क्या फिर एक बार कोरोना कहर मंडरा रहा है? ऐसा सवाल आवाम के सामने आन खड़ा हुआ। आज फिर सेहत महकमा बेलगाम की जानिब से तकरीबन 40 पॉजिटिव मामलों की इत्तला दी गई है। बेलगाम जिला में सिर्फ एक ही दिन में 37 कोरोना मरीजों को दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा रामदुर्ग में 20, गोकाक में 2, बेलगाम में 8, हुक्केरी में 2, चिक्कोड़ी में 2, खानापुर रायबाग में 1-1। बेलगाम शहर में 4 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में बेलगाम जिला में 50 से भी ज्यादा पॉजिटिव मरीज पाए जाने की बात कही जा रही है। बेलगाम डीसी एमजी हिरेमठ ने 4 कंटेनमेंट जोन बनाने का हुक्म सहित जिला अफसर संजय डुंगोल को विश्वेश्वरैया नगर, अनगोल, अंबेडकर नगर और शक्ति नगर को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया। यहां पर बैरिकेड्स लगाकर कंटेनमेंट जोन बनाया गया। आज साफियों को बुलाकर अंजुमन बेलगाम ने भी बढ़ते कोरोना मरीजों के मद्देनजर एहतियात बरतने और अगर किसी को ऑक्सीजन के साथ दीगर मेडिसिन की जरूरत हो तो अंजुमन से राब्ता करने का ऐलान किया। सदर अंजुमन आसिफ राजू सेठ ने कहा कि मरीजों की बढ़ती तादाद ने एक बार फिर कोरोना के खतरे से आगाह किया है, लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। वैक्सीनेशन की भी ताकीद फरमाई। मौजूदा हकीकत इस तरह है, पर क्या आवाम इस पर संजीदा है? यह भी सवाल खड़ा होता है। हासिल इत्तला के मुताबिक बेलगाम शहर और अतराफ में कहीं पर भी मास्क की जरूरत को आवाम महसूस नहीं कर रही, तो वही कोरोना का खतरा अगर बढ़ रहा है तो हजारों की भीड़ के मेले क्यों लगाए जा रहे? क्या हुकूमत को मेले जतरा नजर नहीं आ रही? एक और हकीकत यह है कि लोगों में कोरोना से भी ज्यादा वैक्सीनेशन का डर खौफ ज्यादा नजर आ रहा। रियासत हुकूमत या मरकजी हुकूमत वैक्सीनेशन की तहरीक को तेज करने पर जोर दे रही है, पर कोई भी वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। पूरा 1 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजर गया जिस धूमधाम से वैक्सीन को बैंड बाजे के साथ बेलगाम में लाया गया था, पर आवाम में भी किसी तरह जवाब वैक्सीन को लेकर नहीं दिखाई दे रहा। महीने से भी ज्यादा वक्त गुजर गया पर सफाई मुलाजमीन यानी कि कॉरपोरेशन के सफाई कामगार वैक्सीन लगवाने की पहल दिखाई नहीं दे रही। वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है जिसका असर आवाम में भी देखा जा रहा है। वैक्सीन के बाद उसके साइड इफेक्ट्स का डर भी लोगों में देखा जा रहा है। हासिल इत्तला के मुताबिक महज अब तक कारपोरेशन के महज 800 लोगों ने ही टीका लगवाया है। फरवरी से दूसरे हफ्ते में सफाई मुलाजमीन का टीकाकरण शुरू किया गया था। सिर्फ पहले दिन ही लोगों की भीड़ नजर आई, उसके बाद मुख्तलिफ वजूहात पेश करते हुए टीकाकरण की तरफ पीठ फेर ली गई। वैक्सीनेशन को लेकर बेरुखी देखते हुए जबरन टीका देने का फैसला कारपोरेशन सेहत महकमा की जानिब से किया गया, पर आला अफसरों में कारपोरेशन कमिश्नर जगदीश, जिला सेहत अफसर डुंगोल ने ही कोरोना वैक्सीन लगवाई। कई सारे आला अफसर ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाने से बचते देखा गया। अब जब इन पर सख्ती की गई तो कुछ लोगों ने लेने की बात सामने आई। पूरे रियासत में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को देखते हुए वजीर आला येडियुरप्पा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण की मुहिम को तेज करने पर जोर देते हुए सेहत महकमाओं पर दबाव डालना शुरू किया है। 50 से भी ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन देना शुरू किया हुआ। पहले जब वैक्सीन आई थी तो किसी पर जबरदस्ती नहीं की जाएगी ऐसा कहा गया था, पर अब जबरन देना भी शुरू किया गया। क्या ऐसा सवाल दबे आवाज में ही आना शुरू हुआ? यह सवाल इसलिए भी उठना लाजिम है क्योंकि जहां कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद की खबरों को मीडिया में दिखाया जा रहा है, वही भाजपा के बुजुर्ग का ही सुब्रमण्यम स्वामी ने वैक्सीन पर ही सवाल उठाते हुए कोविशील्ड से यानी कोरोना वैक्सीन से 70 से भी ज्यादा लोगों की मौत की बात कहते हुए कहा कि सीरम यानी कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से सवाल पूछे, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद जिन लोगों की मौत हुई है नीति आयोग रिपोर्ट देने वाली थी पर अब तक क्यों नहीं दी गई। लिहाजा भाजपा के ही एमपी और बुजुर्ग कायद की तरफ से इस तरह के सवाल पूछे जाने से आवाम में एक तरह से गलतफहमी और उलझने पैदा हुई है। कोविशील्ड वैक्सीन के बाद खून की गांठिया होने की बात पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जायजा लेने की बात कही। खैर जो भी हो, पर कभी आबादी को घटाने के लिए कोरोना की साजिश की बात कही जा रही है तो कभी कोरोना से बीमारियों में इजाफा होने की बात कही जा रही है। जिन लोगों ने लिया इन्हें साइड इफेक्ट्स के असरात का जिक्र भी किया जा रहा है, तो खुद भाजपा के एमपी और बुजुर्ग का सुब्रमण्यम स्वामी ने लोगों की मरने की तक बात कही। लिहाजा वजीर आजम या वजीर आला रियासत में वैक्सीनेशन की मुहिम को
तेज कराने की बात कर रहे हैं। मरीजों की तादाद भी बढ़ने की बात हो रही है। वही बेलगाम और दिगर पांच रियासतों में सियासी चुनावों का दौर भी जारी होने वाला है। यह भी बात उतनी ही सच है कि कोरोना का कहर या कोरोना की समझदारी पर बजाय बंगाल की तरफ रुख करने के, कोरोना ने महाराष्ट्र और पंजाब में मरीजों के इजाफे के मद्देनजर लॉकडाउन किया जाने का भी फैसला लिया जा रहा है। आवाम के जहन में सवाल तो उठते हैं और उठना लाजिम भी है, और वैसे भी रमजान का महीना अनकरीब है। अब इसका इल्म तो हुकूमतों को ही हो सकता है कि आखिर लॉकडाउन कब, क्यों और किस लिए किया जाएगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।